वेलकम वेलकम टू माई चैनल, वेलकम सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पुलाव, जिसको काबली पुलाव भी कहा जाता है। तो इसके अंदर तो ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल नहीं होते, ये बड़ी जेन्युइन रेसिपी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो ऐसा फ्लेवर होता है कि जैसे आप पुलाव खा रहे हो, चिकन पुलाव खा रहे हो, लेकिन इसका जो होता है इसमें इतने ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल नहीं होते। तो इसके लिए हमने लिया है, जो हमारे पास मटन हमने लिया है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। मटन जो है हमारे पास हाफ के जी है, और दो ग्लास हमने सैला चावल लिए हैं, और बोन्स वाला मटन इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी यखनी जो है अच्छी तरह इसका सूप सा निकल आएगा, और फिर वो चावलों में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये जो सैला चावल है, इनको हमने 2 घंटे पहले ही पानी में डिप कर लिया था हॉट वाटर के अंदर। तो अगर आप सेला यूज़ कर रहे हैं तो इसको 2 घंटे पहले डिप करें। अगर आप दूसरे राइस यूज़ कर रहे हैं बनासमती, तो उनको आप 30-20 मिनट भी डिप कर सकते हैं। वैसे ये जो असल में जो बनते हैं, ये सेला राइस के ही बनते हैं, उन्हीं के ये तैयार होता है अफगानी पुलाव। तो इसके लिए हमने लिया है रेजन, हमारे पास ये रेजन है, हमने ब्लैक रेजन इस्तेमाल किया है। तो आप इसमें वाइट भी अगर अवेलेबल ना हो तो वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्लैक रेजन ही इस्तेमाल होती है। और ये हमारे पास अनियन है, और ये हमारे पास कैरेट है, जो हमने 2 कैरेट हमने ली हैं, और इसको हमने खुद ही छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। और ये हमारे पास लहसुन है, और ये अदरक है, हमारे पास 3 जो है क्लोव लहसुन के, और थोड़ा छोटा सा पीस अदरक का है। हमने इसको चॉप नहीं किया क्योंकि ये अभी खुद ही जो है उसके अंदर रेडी हो जाएगा कुकर के अंदर। तो यखनी हम इसकी कुकर के अंदर ही निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने ज़ीरा, और ज़ीरा है हमारे पास साबुत ज़ीरा है, और ग्राइंडेड ज़ीरा है, और 1 चम्मच हमारे पास नमक है। ये हमने सबने 1 टेबल स्पून जो है हमने इस्तेमाल किया। तो इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ऑयल जो है हमने इसमें गर्म कर लिया कुकर में। तो इसके अंदर जो पहले मैंने उसको रेज़न को और कैरेट को फ्राई करेंगे, तो पहले हम इसके अंदर जो है रेज़न डालते हैं। पहले हम रेजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम कैरेट को फ्राई करेंगे। सेपरेट सेपरेट करते हैं फ्राई। एक तो फ्राई करने से ये होता है कि जो रेजन है ना, इसका जो थोड़ा फ्लेवर है ना, वो भी ऑयल के अंदर आ जाएगा, और वो फिर आपके राइस के अंदर भी फ्लेवर आएगा, और तभी ये सही बनेंगे। मैंने बहुत रेसिपीज़ देखी है और बड़े लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि रेसिपी में कुछ है, मतलब जो मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छे राइस बनाती है, तो मुझे तो उसकी बहुत ही मतलब वो अफगानी है, ज़ाहिर है वो सही राइस बनाती है। तो बाकी जो लोग बनाते हैं मुझे नहीं लगता कि वो उनके इतने ज़्यादा सही हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर निकाल लिए। तो अब इसके अंदर जो है हम कैरेट डाल देते हैं। और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप कैरेट को अलहदा से फ्राई कर रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच आप शुगर भी डाल दें, अगर आपको शुगर पसंद है। वैसे लोग इसमें शुगर भी डालते हैं, 1 चम्मच डालता है। मैं इसमें बाद में थोड़ा सा ना उसके ऊपर स्प्रिंग कर दूंगी फ्राई करके, क्योंकि अगर मैं अभी ऑयल के अंदर डालूंगी ना शुगर, तो उससे ये होगा कि वो मेरा ऑयल मीठा मीठा हो जाएगा, मेरे राइसों में भी वही फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए मैं जब ये हो जाएगा बिल्कुल हॉट ही होगी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर को स्प्रिंग कर दूँ। तो थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। जो हमारी कैरेट है ना, ये भी फ्राई हो गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। फ्लेम हम थोड़ा स्लो कर लें, इसको निकाल। इसके अंदर जो हमारे पास मटन है हम उसको फ्राई करते हैं। तो देखिए
जो हमारा मटन है ना इसको हमने 5 मिनट फ्राई किया और ये फ्राई हो गया। तो इसके अंदर जो है ना अब हम ऑनियन को ऐड कर देते हैं और इसको हम 10 मिनट तक इसके अंदर ही फ्राई करेंगे ऑनियन को। तो हम 10 मिनट के बाद फिर आते हैं। ये देखें जो हमने मटन है ना, हमने मटन को इतनी अच्छी तरह फ्राई करना है और जो साथ ये हमने प्याज डाले थे इनको भी ऐसे ही फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम एक चम्मच जो है सॉल्ट, देखिए यखनी जो है ना अब हमारी तैयार हो गई है। तो इसको हम जो मटन है ना, मटन को अलग प्लेट में निकाल के ना इसके छोटे छोटे से सूप निकाल लेते हैं। तो हम इसके अंदर बोन्स को अलग कर लेते हैं और मटन को अलग करेंगे। ये देखें ये हमारी जो यखनी है ना ये अब तैयार हो गई है। आप कोशिश करेंगे, हम भी करें कि इसको ऐसे करके ना इसके अंदर मैश कर लूँ मैं इसको। तो ये कि इसको हल्का सा मैश करूँगी रफली। और ये हमारा मटन है जिसको हमने निकाल लिया और बोन्स हम इससे अलग कर लेंगे और सिर्फ हम जो बोनलेस मटन है वो इसके अंदर डालेंगे। तो अब हम यखनी को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लें। तो यखनी को जो है हम इसके अंदर शिफ्ट करें। अब ये थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाए, वाइल आ जाए, तो फिर इसके अंदर हम राइस को ऐड कर देते हैं। ये मटन को जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखिए हमने मटन ऐड कर दिया, हमने बोनलेस करके ऐड किया है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ। आप ना अपने मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। मेरे पास तो बताया सैला राइस थे, तो इसके अंदर जो मैंने 2 गिलास पानी डाला है, 2 गिलास पानी में पहले इसको टिप्पी किया था हॉट वाटर के अंदर। अब मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको कुक किया और अब मैं इसको जो है हल्का सा दम देने लगी हूँ। बाकी उस पर तैयार होंगे क्योंकि इनको थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है राइस को ना। ये देखिए हमारे जो राइस है ना ये रेडी हो रहे हैं। ये हमारे पास सूखा ज़ीरा था जो हमने आपको बताया था, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐसे करके डाल देंगे और इसको फिर हम दम के ऊपर रख देंगे। हमने कपड़े से इस कपड़े को कवर कर लिया है, इसके कैप को। तो अब ये इसके ऊपर ये हमारे राइस जो है देखें तैयार हो गए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है ये कैरेट ऊपर डाल के और थोड़ी सी ये रेजन ऊपर डाल के इसको बेशक थोड़ा सा और दम पे रख ले और बाद में ये डेकोरेट में इसके ऊपर करती हूँ थोड़ी सी। तो मैं इसको बस हल्का सा ही रखूँगी, दम दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें हमारे जो ये राइस हैं ये तैयार हो गए और देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।